नमस्कार, जिरास्तान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव अभेरो। करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। सीकर जिले के फतेहपुर में दो बेटियों ने अपने पिता के अर्थी को कंधा देकर बेटियों का फर्ज निभाया। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर में 1.5 साल के मासूम बच्चे की हुई मौत, घर के आगे गंदे पानी के नाले में गिरने से मौत। सीकर जिले के खंडेला थाना अधिकारी ने ली शांति समिति की बैठक, आगामी त्यौहार को शांतिपूर्ण मनाने पर चर्चा। अजीतगढ़ के रायपुर जाकिर गांव में शराब की ठेके के विरोध में ग्रामीणों का धरना 5वें दिन भी जारी। सीकर जिले के लोसल में पुलिस ने 40 लाख की ठेकी करने के मामले में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। सीकर जिले के फतेहपुर में न्यायिक अधिकारियों ने भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए न्यायालय परिसर में परिंदे रखे। राजकीय विद्यालय के पूर्व छात्रा नीलू सैनी को विज्ञान संकाय में 92.02% अंक लाने पर स्कूटी भेंट की। भगवान परशुराम जन्मोत्सव सप्ताह के दौरान महिलाओं ने रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। नागौर जिले के मेड़ता क्षेत्र के प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य लाला राम नायक को जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। नागौर सांसद हनुमान बेरीवाल अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल होकर शुभकामनाएं। नागौर जिले के खेमसर के एक रहवासी मोहल्ले में गिरा बिजली का तार, बड़ा हादसा होते होते टला। नागौर जिले के परबसर में पारिक सभा, जुनेई महर्षि पराशर जी की पूजा अर्चना कर जयंती मनाई। नागौर जिले के युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष हनुमान बांगड़ा की अनूठी पहल सामने आई है, मुख्यालय पर मजदूरी कर रहे मजदूरों का माला पहनाकर स्वागत। नागौर जिले के प्रवसर में भारत विकास परिषद की ओर से पक्षियों के लिए परिंडे लगाए। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में ब्राह्मण समाज की ओर से परशुराम जयंती के उपलक्ष्य पर रक्तदान शिविर का आयोजन। डूंगरपुर जिले के आसपुर में तंबाकू निषेध अभियान के तहत जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन। डूंगरपुर जिले के बस्ती गांव में श्री गौड़ समाज की बैठक आयोजित हुई, 3 मई को भगवान परशुराम की जयंती पर विशाल शोभा यात्रा निकालने पर फैसला। डूंगरपुर जिले के मोवाई गांव में 24 समाज की बैठक का आयोजन। डूंगरपुर जिले के 84 में आए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 18 वाहन चालकों के चालान काटे। जालौर स्टेडियम में खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कलेक्टर निशांत जैन ने किया। जालौर जिले के बागुड़ा और साला उपखंड में चोरी की बढ़ती वारदातों को देखते हुए ग्रामीणों में आक्रोश। साला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बालाजी मंदिर में नकबजन के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। विप्रो फाउंडेशन के 13वें स्थापना दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जालौर जिले में बाल विवाह की रोकथाम के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया। जोधपुर जिले के तिवरी में ट्रैक्टर बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया। जोधपुर जिले के विलाड़ा समेत आसपास गांव में लगातार हो रही बाइक की चोरियां, खरिया मीठापुर गांव से फिर एक बाइक चोरी। विलाड़ा बस स्टैंड पर जोधपुर से विलाड़ा आ रहे यात्री की जेब कतरे ने जेब काटी और 50,000 रुपये पार कर दिए। जोधपुर जिले के कलावना गांव में नाबालिग बालिका को बहला फसला कर ले जाने वाले युवक के खिलाफ मामला दर्ज। जोधपुर जिले के लांबा गांव में मकान में जबरन घुसकर महिला के साथ मारपीट और दुष्कर्म का प्रयास किया गया, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। जोधपुर जिले के बिलाड़ में पटेल शिक्षण संस्थान की ओर से अध्यापक जयंत नारायण का सम्मान किया गया। भीषण गर्मी में महाराजा स्वरूप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा टैंकर्स के जरिए पशुओं की प्यास बुझाई जा रही है। जोधपुर जिले के शेरगढ़ में घर से बिना बताए विवाहिता हुई लापता, विवाहिता के ससुर ने गुमशुदगी का दर्ज कराया मामला। अजमेर जिले के सरवाड़ में राजकीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी देशा महाराज क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए, समस्याएं सुनी। सराना टांटोटी मार्ग पर दरगाह के पास क्षतिग्रस्त पुलिया हादसों को न्योता दे रही, आए दिन राहगीर इसमें गिरकर चोटी हो गई। अजमेर जिले के ब्यावर में भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में बाइक रैली निकाली। ब्यावर के भारत माता सर्कल पर भारत माता की आरती की गई। विप्रो फाउंडेशन के 13वें स्थापना दिवस और भगवान परशुराम जयंती पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन। हिंडौन के भरखमा गांव में आयोजित श्रीमद भागवत कथा का समापन हुआ, कार्यक्रम में भंडारे का आयोजन। मंत्री रमेश चंद्र मीणा सपोटरा क्षेत्र के दौरे पर, उपखंड मुख्यालय पर चल रहे नाला निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। करौली जिले के इंडोन सिटी में कार खड़ी करने को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ विवाद, झड़प में 2 सगे भाई घायल। करौली जिले के इमरतापुर गांव में विद्युत पोल में करंट आने से 3 बकरियों की मौत। पार्षद रमेश प्रजापत ने श्रमिक महिलाओं को मिठाई खिलाकर श्रमिक दिवस की शुभकामनाएं। पाली जिले के देसुरी में वार्ड पंच के उपचुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष 2 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए।
पाली जिले के देसुरी में बाइक फिसलने के कारण बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। पाली जिले के देसुरी में पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान कागजातों के अभाव में दो दर्जन से ज्यादा वाहनों के चालान कर। एसपी के प्रार्थना पत्र पर कलेक्टर ने चार बदमाशों को जिले से 30 दिन के लिए बाहर किया। प्रतापगढ़ जिले भोपालपुरा गांव में युवती का लटकता हुआ शव मिलने से सनसनी फैल। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद में पूर्णिमा पर लगने वाले मेले की तैयारियों को लेकर बैठक की। बीकानेर जिले के लूणकरणसर में ट्रेन से कटकर युवक की मौत। श्रीराम दरबार मूर्ति और राम स्तंभ प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 7 मई को नोखा के श्री बालाजी मंदिर में होगा। बीकानेर जिले के खाजवाला क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों में कुत्तों ने 7 बकरियों का किया शिकार। बांसवाड़ा जिले के घलकिया पंचायत द्वारा बस स्टैंड पर बनाए गए सार्वजनिक शौचालय में 1 साल से ताला लगा हुआ है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बांसवाड़ा जिले के मोतीरा गांव में शौचालय का निर्माण कार्य शुरू, ये काम पिछले 6 महीने से बंद पड़ा था। बांसवाड़ा जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने हत्या का 12 घंटे में खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार। बांसवाड़ा जिले के सुंदरी गांव में तालाब की जमीन पर कुछ लोगों ने कर रखा अतिक्रमण, शिकायत के बाद भी प्रशासन नहीं कर रहा कार्रवाई। मायावासा ग्राम पंचायत के नए भवन का निर्माण पिछले 3 सालों से अधूरा पड़ा हुआ है, ठेकेदार के ढिलाई के चलते काम लटका हुआ है। परमाणु बिजली घर से साइंटिफिक असिस्टेंट की परीक्षा में 340 अभ्यर्थी शामिल। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतबाटा में शिक्षक संघ राधाकृष्णन के प्रदेश अध्यक्ष विजय सोनी ने पूर्व संगठन मंत्री विद्याधर दशोरा को प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में मनोनीत किया। बेगू क्षेत्र की पारसोली पुलिस ने काला का झोपड़ा में एक घर पर दबिश देकर अवैध रूप से रखी गई करीबन 10 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब बरामद की। बेगू क्षेत्र के टुकराई चौराहे पर आगामी 9 मई को आयोजित होने वाले धाकड़ समाज के 16वें सामूहिक विवाह सम्मेलन के भूमि पूजन किया। राजस्थान सरकार द्वारा आज से कक्षा 1 से 8 तक की नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी। बाड़मेर जिले के बैतू में पिछले 3 साल से पानी की विकट समस्या बनी हुई है, लेकिन शिकायत के बाद भी प्रशासन का ध्यान नहीं। बाड़मेर जिले के सुरनदरी थाना पुलिस ने 6 क्विंटल डोरा पोस्ट जब्त किया, वहीं पिस्टल भी बरामद। कोटा जिले के सांगोर में एसबी गैस सेंटर पर उज्ज्वला दिवस मनाया गया। धनवास में भामाशाह परिवार की ओर से अपने परिजन की स्मृति में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वाटर कूलर लगवाया गया। अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जाखोड़ा सरपंच हेमलता सैनी द्वारा श्रमिकों का माला साफा पहनाकर सम्मान। पूर्व सरपंच टीकम चंद माली ने रमजान के पवित्र माह में स्वयं के निवास पर रोजा इफ्तार कार्यक्रम रखकर देश में अमन चैन की दुआ मांगी। कोटा जिले के रामगंज मंडी में संख्या 52 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। आगामी त्योहारों को देखते हुए रामगंज मंडी थाने में संपन्न हुई सीएलजी सदस्यों की बैठक, ईद का त्यौहार भाईचारे के साथ मनाने की चर्चा। कोटा जिले के मोहितला में एक कार और बाइक के बीच हुई टक्कर हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत, एक गंभीर रूप से घायल। भोपालगढ़ पुलिस ने बिना लाइसेंस की बंदूक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सच्चाई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की बैठक आयोजित, इस मौके पर मिट्टी और पानी के सैंपल लिए गए, वहीं किसानों को जागरूक किया गया। ओसिया एसडीएम रतनलाल रेगर का स्थानांतरण होने पर व्यापार संघ और श्री बालाजी मंदिर ट्रस्ट की ओर से विदाई समारोह का आयोजन। चुरू जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर जिला पर्यावरण सुधार समिति ने श्रमिकों का सम्मान किया। दौसा जिले के बीछवा गांव के आईटी केंद्र में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ, जहां किसानों को जैविक खेती के बारे में जानकारी दी गई। दौसा जिले के मांदीकोई में भगवान परशुराम की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, शोभा यात्रा निकाली। दौसा जिले के लालसोट में चूल्हे से निकली चिंगारी से एक कच्चे मकान में आग लग गई, घटना में करीब 3 लाख का नुकसान। बूंदी जिले के करवाला में खेत में मिले शव की अब तक नहीं हुई शिनाख्त। बूंदी जिले के देईखेड़ा में भूसे के ढेर में लगी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। तारानगर विधायक नरेंद्र बुड़ानिया ने लीलकी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन किया। विवाहिता ने शराबी पति की हरकतों से तंग आकर पति के खिलाफ थाने में मारपीट और प्रताड़ित करने का मामला दर्ज कराया। डॉक्टर जाकिर हुसैन शिक्षण संस्थान में रविवार शाम को इफ्तार पार्टी का आयोजन। चित्तौड़गढ़ जिले के डुंगला में मुंबई निवासी नीरज शाह ने गौशाला का अवलोकन किया। सिरोही जिले के आबू रोड अरावली मजदूर यूनियन द्वारा वाहन रैली निकाली गई। सिरोही के समाजसेवी सागरमल अग्रवाल ने शादी की सालगिरह पर इंदिरा रसोई में निःशुल्क भोजन करवाया।
सिरोही जिले के बाखर में महावीर इंटरनेशनल द्वारा बच्चों को चरण पादुकाएं बांटी गई। अलवर जिले के सोडावास में जय बाबा जाहरवीर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन। अलवर जिले के गोविंदगढ़ में बिजली कटौती और पानी से परेशान स्थानीय लोगों ने सरकार और जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। जलमंदिर का पुलिस उपाधीक्षक अंजलि अजीत सोरवाल ने लोकार्पण किया। तपती गर्मी के बाद अचानक मौसम में आया परिवर्तन, तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश, आमजनों को गर्मी से मिली राहत। अलवर जिले के कैथल कस्बे में पानी की टंकी में लीकेज होने से लगातार बह रहा पानी, जलदाय विभाग का नहीं है ध्यान। अलवर ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों की मांग पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने नए रोड का निर्माण कराया। अलवर जिले के कठुमर में मोहल्लेवासियों ने समाजसेवी मछुरा देवी के नेतृत्व में किया श्रमदान, अपने आसपास साफ सफाई के लिए। अलवर जिले के थानागाजी क्षेत्र में बढ़ते अपराध को देखते हुए थानाधिकारी ने ली पुलिसकर्मियों को बैठक। अलवर जिले के शाहजहांपुर में भागवत कथा के आयोजन के बाद भंडारा किया गया। अलवर जिले के किशनगढ़ बास में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक विजय बैसला का युवाओं ने स्वागत किया। अलवर जिले के नारायणपुर में अज्ञात कारणों के चलते दो कच्चे मकानों में आग लग गई, सारा सामान जलकर खाक। श्रीगंगानगर जिले के जैसर में भगवान परशुराम जयंती पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, पीली चावल देकर दुकानदारों को निमंत्रण दिया गया। श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रैक्टर पलटने से दो युवकों की दर्दनाक मौत। चलिए फिलहाल